हैं। अभी अहम खबर देखिए, श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये। मथुरा की अदालत के मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। मथुरा के मामले में सुनवाई के लिए तैयार अदालत। ईदगाह को लेकर कोर्ट में 2020 की याचिका मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजीव भारती ने सुनाया ये फैसला। याचिका में ईदगाह पर मालिकाना हक देने की मांग। मामले में वकील रंजना अग्निहोत्री समेत 6 वादी हैं। और इस मामले में वादी पक्ष के वकील गोपाल खंडेलवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अदालत में ठाकुर जी की बड़ी विजय हुई है, हमारी अपील को अदालत ने माना है। यह कहा है गोपाल खंडेलवाल ने। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पर अब मथुरा कोर्ट सुनवाई करेगी। इस वक्त गोपाल खंडेलवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अदालत के अंदर क्या हुआ है बताइए। अदालत ने हमारा ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी विजय है, ठाकुर जी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय था, लोअर कोर्ट ने खारिज किया। लोअर कोर्ट ने माना कि जो इलीगल कंप्रोमाइज हुआ उसको चैलेंज करने के लिए संबंध में सूट फाइल किया गया, उसका सूट को हमको फाइल करने का राइट है। अकॉर्डिंगली जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया। अब हम ये हमारा केस लीडिंग केस है और सबरे केस को सपोजिट करते हुए हमारा केस चलेगा और ठाकुर जी की बहुत बड़ी विजय है। सर, अब अगला स्टेप क्या हुआ, सुनवाई कहां पर? फर्दर सिविल जज सीनियर डिवीजन में हमारा केस लीडिंग केस है, वो चलेगा। फर्दर वी प्रोसीड द सूट। क्या क्या अपील आप लोगों ने की थी? नहीं, हमने की थी जो जजमेंट है वो लीगल हुआ है लोअर कोर्ट का, हमको सूट फाइल करने का राइट है। वो जनपद महोदय ने माना। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये बहुत बड़ी चीज है, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी चीज है। ये माना गया, लोअर कोर्ट का जजमेंट था, इस आधार पे था। हमको दावा करने का अधिकार नहीं है और हमको राइट टू फाइल सूट नहीं है। हमने सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दाखिल की और कोर्ट ने माना कि ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में कंप्रोमाइज इलीगल हुआ है, उसको चैलेंज करने का हमको राइट टू फाइल सूट है और अकॉर्डिंगली हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया और लोअर कोर्ट जजमेंट को खारिज किया। पर भी इसका असर पड़ेगा सर? नहीं, निश्चित रूप से सबका फर्क पड़ेगा। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी विजय है, ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में सूट फाइल किया गया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक की तरफ से बयान सामने आया। हमने ईदगाह में लड्डू गोपाल की पूजा की मंजूरी मांगी। ईदगाह में पूजा करने की मांग पर 1 जुलाई को अब सुनवाई है। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों ने क्या अपील की? हमने माननीय न्यायालय से अपील की थी कि वहाँ किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमीशन नियुक्त करके वहाँ भेजा जाए और वहाँ पर सारे प्राचीन साखियों की निगरानी की जाए, जिससे हमारी प्राचीन साखियों को नष्ट ना कर सकें। ये लोग क्या है, रंगाई पताई के बहाने वहाँ प्राचीन साखियों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वहाँ जो असली गर्भगृह भगवान का जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ कंस का कारागार था पहले, उस कारागार को तोड़कर औरंगजेब ने वहाँ शाही ईदगाह का निर्माण कराया। और हमने कल ये प्रार्थना पत्र दिया था माननीय न्यायालय में कि जो असली गर्भगृह में वहाँ हम लड्डू गोपाल जी का आपसे करना चाहते हैं, तो माननीय न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई की डेट लगा दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।